फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। हैं यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है, बस जरूरत है अकलमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। यह नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, यह देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर सुनिएगा मिसाल। ए भैया बैठ जाओ, ए चाय वाले, चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा, भेड़िए के सर अलग तन अलग, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भांप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा तीन शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह, बहुत अच्छा फैसला, वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी, इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया। उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है, हमारी अकल। भेड़िए, लोमड़ी ने देखा खरगोश जा रहा, जाए, ये मेरा कम नुकसान है, लेकिन अगर ये हम ही को मार के खा गया तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे, अपने आप को पहले बचाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ये मत देखिए कि कौन आ
वक्त ये देखिए कि हमारा बड़ा नुकसान किस में और छोटा नुकसान किस में है। इसलिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अपने आप को कर देना चाहिए अपना। इसलिए बिहार वाले बड़े नुकसान को समझ नहीं पाए, छोटा नुकसान नहीं कर सके, इसलिए दोनों नुकसान से महरूम होकर उसी बड़े नुकसान में फिर पल रहे हैं। बंगाल वालों ने लात मार दी, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लिया और छोटा नुकसान उन्होंने कर दिया। अल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बड़े नुकसान से बचने की तौफीक अता फरमाए, उनको अक्ल शऊर अता फरमाए और उनको भी समझदारी से काम ले और लोमड़ी की तरह उनको भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना हाल वही होगा जो भेड़िए का हुआ, क्योंकि पावर इंसाफ तो यही था, शेर ने हिरन मारी शेर हिरन खा ले, भेड़िए ने बकरी मारी भेड़िया बकरी खा ले, लोमड़ी ने खरगोश मारा लोमड़ी खरगोश खा ले। भेड़िए ने फैसला सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको हाथ जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा मौरा पंजाब बेचारा गया, लोमड़ी से कहा तुम इंसाफ करो, उसने कहा दिन में आप सुबह में हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और दोपहर में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो खरगोश का टेस्ट कर लीजिए, तीनों आपके। वाह वाह क्या अच्छा फैसला किया। लोमड़ी से कहा लोमड़ी इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? सीधे कहती है भेड़िए के अंजाम ने, भेड़िए ने, इसी भेड़िए से सीखा है मैंने। तो आप भी कुछ सीखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख लें। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आ रही है। तो मेरे भाइयों अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन है, कोई नहीं, इस बात का भी एतराफ़ है। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें अकल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है, एक पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर भी चैनल वाले हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ना धोकर। ये देखो बंगाल में मुसलमानों को डरा रहा है, ये देखो एक कर रहा है। अरे मैं नहीं डरा रहा हूं, चैनल वालों जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो दिखाई नहीं देता, या तुम्हें पावरफुल की तरफ से शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया है, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से। तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? आए चैनल वालों क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में ये बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है, शेर बस अकलमंद रहा इशारा काफी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा, और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे, हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह तू इस मुल्क का इक्तदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भारत के 1 अरब 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो
धर्म निरपेक्ष हो, जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरान, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। बारे इलाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे, और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हम दर्द बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। बारे अल्लाह, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। ऐ अल्लाह, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के अमन, चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको भंग कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क में फसाद बर्पा कर गए, फसाद बर्पा करके इस मुल्क को जंग की आग में और गिरा युद्ध में घुसड़ने की और धसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको इस मुल्क से मिटा दे और उनका सफाया कर दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये 1,25,00,000,000 देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आजाद कराया है। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। जिस तरह हिटलर बना, हज्जाज इब्ने यूसुफ बना, जिस तरह और लोगों को तूने निशाने इबरत बनाया, बारे अल्लाह तू उनको भी निशाने इबरत बना दे। बाद में आने वाली नस्ल उनके जुल्म को याद करे, उनके सितम को याद करे। 11:30 बजे 11:40 पर मैं आया था, और फिर 12:40 पर, और मेरा 2 घंटे का तकरीबन पूरा वक्त हो गया है, 1:45 तो हो ही गया है। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमें अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। और आखिरी ऐलान ये आपसे कि मदरसे 2 साल कोरोना का शिकार रहे हैं और नहीं चल सके हैं, आपसे आखिरी गुजारिश, आपने किसके हाथ में किसका क्या तआवुन किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हाथ में आप क्या तआवुन करना चाहते हैं।